हाय एवरीवन सो वी हैव द गिवन क्वेश्चन एज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर यानी हमारे पास दो पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं इनमें बड़ा कौन सा है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी थी सर वो था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन के बाद सेकेंड स्टेप जो था वो था मेक सेम डिनिनेटर मेक सेम डिनोमिनेटर यानी अगर हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो उनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे और बड़े आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा चलिए सबसे पहले इन सब पार्ट्स की बात करें सर या लेडीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो लेटेस्ट राइट डाउन एज इट इज अब यहां पे इनके डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब हो गया एल्सियम लेना थ्री और सेवन कैल्सियम की बात करें सो दैट वुड बी ट्वेंटी वन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन यानी सेवन फोर जा ट्वेंटी एट सिर्फ दिस बुट में माइनस ट्वेंटी एट सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एट मीन्स बी है मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री एट जा ट्वेंटी फोर इट्स सिंपली मीन्स माइनस ट्वेंटी फोर विद माइनस साइन अब बात करें माइनस ट्वेंटी फोर वुट बी मस्ट बी ग्रेटर डन टू माइनस ट्वेंटी एट इट सिंपलीमेंस माइनस एट बाई सेवन वुट बी ग्रेटर टू माइनस फोर बाई थ्री चलिए सेकेंड सब पार्ट की बात करें तो सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है लेटेस्ट कन्वर्ट उ इफ कन्वर्टिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दिस बुट भी माइनस सेवन बाई नाइन एंड माइनस फाइव बाई एट अगर इनके एलसीएम की बात करें बच्चों तो इनका एलसीएम हो जाएगा नाइन इन टू एट सेवेंटी टू तो सर अगर इनके एलसीएम की बात करें दिस बुट भी सेवेंटी टू एट टाइम्स अगर हम कर रहे हैं नाइन के साथ मल्टीप्लीकेशन सो दिस बुड भी सेवेंटी टू यानी एट से मल्टीप्लाई करते हैं एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स बट माइनस नाइन के साथ अगेन एट नाइन जा सेवेंटी टू तो नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं नाइन फोर जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव बट माइनस नाइन के साथ अगेन हम देख पा रहे हैं माइनस फोर्टी फाइव मस्ट बी ग्रेटर टू माइनस फिफ्टी सिक्स क्योंकि जितना ही नेगेटिव में बड़ा वैल्यू वो उतना ही छोटा यानी इसका मतलब हो गया माइनस फाइव बाई एट मस्ट भी ग्रेटर दैन माइनस सेवन बाई नाइन